हेलो फ्रेंड्स दिस इज़ पवन चौधरी वेलकम टू अन अकेडमी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर 90 डेज के अंदर एम पी पी एस सी के लिए और मेन्स दोनों के लिए इंडियन पॉलिटी इन द 90 आवर्स या नब्बे दिनों में हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं और उसी का ये तीसरा सेशन है एक्चुअली चौथा सेशन है पहले सेशन में हमने अमेंडमेंट्स पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूशन के उसके बाद हमने प्रेमबल और उसके बाद पार्ट वन हमने कंप्लीट किया था एंड दिस इज़ द पार्ट टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि सर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में स्पेशली नाइनटीन और नाइनटीन का एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है तो वो एक अलग से मैं लेक्चर बना के आपको दे दूंगा यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो आर्टिकल वाइज़ पूरा कंप्लीट करना है सिलेबस को मतलब पूरा जो आपका इंडियन पॉलिटी आर्टिकल वाइज कंप्लीट करना है तो वो जो दो टॉपिक है वो मैं बना दूंगा डोंट वरी सब कुछ कवर हो जाएगा आप उसकी चिंता मत करना बस उसको कंटिन्यू आप ज्वाइन कर देना है ठीक है तो ये जैसा आपको पता है एक सीरीज मैंने स्टार्ट किया है द सीरीज कोल्ड द अवलोकन और उस अवलोकन सीरीज का ये तीसरा दिन है सैटरडे और संडे क्लास नहीं हो पाई कुछ पर्सनल रीजन्स के कारण लिए लेकिन अभी ये कंटिन्यू जो है मंडे टू सैटरडे जो है आपका सीरीज कंटिन्यू रहेगा और इसी टॉपिक्स को लेके अगला जो आपको शाम को क्लास है इलेवन पी पे तो एलेवेन पी पे से रिलेटेड जो एम क्लास है वो भी होगी उसके बारे में आगे मैं आपको बता देता हूँ अभी कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं तो अभी ऑनगोइंग जो कोर्सेज है एम पी पी एस के लिए तो जोग्रफी का एक कोर्स चल रहा है जोग्रफी मतलब एम बी पी पेपर वन और उसका पार्ट बी उसके बाद उसका टाइम 8:30 है उसके बाद कंप्लीट कोर्स ऑन द जनरल स्टडीज फॉर पेपर टू तो पूरा पेपर टू का सिलेबस मैं कर रहा हूँ इसमें यूनिट नंबर वन हो चुकी है और यूनिट नंबर वन के बाद जो मैंने टेस्ट दिया था बच्चों को लिखने के लिए मेंस का उसकी कॉपी चेक कर रही है तो इस बार पहली बार मैं आपको बच्चों का हर आंसर जितने भी बच्चों ने आंसर लिखा है तकरीबन 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने आंसर लिख के भेजे हैं तो उनकी कॉपी मैं चेक कर रहा हूँ ओके okay. उसके बाद एक डिटेल कोर्स ऑन द हिस्ट्री है फॉर मेंस पेपर वन तो ये पेपर वन का पूरा सिलेबस इसमें पार्ट ए का कंप्लीट होगा विच कंसिस्ट द हिस्ट्री और पूरा पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड आर्ट एंड कल्चर तो ये पूरा पार्ट इसमें कवर होगा और इसमें अभी जो मॉडर्न हिस्ट्री है मॉडर्न हिस्ट्री इसके अंदर अभी चल रहा है चलिए ओके okay. उसके बाद ये कई सारे पुराने कोर्सेज हैं जो कंप्लीट करा चुका हूं सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है वो है एट थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज और आप मेरा कोड लाइव यूज करने के बाद आपको सात हजार नौ सौ बीस रुपए में मिलेगा जबकि दो साल का सब्सक्रिप्शन जो है ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज और डिस्काउंट के बाद उसका जो प्राइस है एलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी रू रुपये मिलेगा ठीक है उसके बाद आप चाहें तो अपने क्रेडिट पॉइंट्स वगैरह जो है उनको रिडीम करके आपको और कम प्राइसेस के अंदर सब्सक्रिप्शन जो है यहाँ पे मिल सकता है चलिए तो ये बात हुई सब्सक्रिप्शन की सब्सक्रिप्शन का रेट क्या है और किस प्रकार से लेना कौन से कोर्सेज चल रहे हैं सो गो एंड टेक अ सब्सक्रिप्शन उसके अलावा अवलोकन जो सीरीज स्टार्ट किया था तो जैसा बताया उसका तीसरा दिन है और आज का जो टॉपिक रहेगा पार्ट टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और शेड्यूल जो अभी हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में और साथ ही पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी हम पढ़ेंगे एंड जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा आई बटन में उस लेक्चर का लिंक आपको दिख जाएगा अभी ऊपर आपको शो होगा तो वहां पर जाके इस लेक्चर के बाद आप उसको भी रिवाइज कर सकते हैं हैं ताकि रात की एग्जाम क्लास के अंदर अंदर जो है उसके रिलेटेड वो MCQs हम सॉल्व कर सके तो अवलोकन डे थ्री है कल का जो है पार्ट थ्री रहेगा पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट है अब एक लेक्चर में तो हो नहीं पाएगा तो दो पार्ट्स में डिवाइड करके मैं आपको फंडामेंटल राइट उसको पढ़ाऊंगा या कोशिश करूंगा कि एक ही लेक्चर में उसको कंप्लीट कर दिया जाए चलिए स्टार्ट करते हैं तो अब बात करते हैं सिटीजनशिप की या नागरिकता की तो पार्ट वन जो है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है द सेकंड पार्ट इट्स अ सिटीजनशिप नागरिकता तो नागरिकता मतलब कोई भी जो व्यक्ति है किसी देश में अगर रहता है तो स्पेशली उसको अपने देश से बड़ा प्यार होता है या उसके अगर किसी भी देश के नागरिक अगर है हम भारत के नागरिक हैं तो वी आर प्राउड इंडियन अगर कोई अमेरिका नागरिक है तो उसको अपने देश के ऊपर गर्व होगा तो इसी प्रकार से जो भी नागरिकता है वो किस प्रकार से दी जाती है अलग अलग चीज़ें उसके बारे में हम बात करेंगे ठीक है अब नागरिकता

फंडामेंटल राइट right में हो या ना हो दूसरा यहाँ पर एलियंस होते हैं एलियंस का यहाँ पे मतलब वो नहीं कि जो स्पेस से आते हैं एलियंस वगैरह वगैरह एलियंस मतलब होता है कोई भी विदेशी नागरिक विदेशी देश का नागरिक फॉरन कंट्री का नागरिक जो इसको भी आप दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो एक जो होगा वो कोई प्रवासी व्यक्ति होगा इमिग्रेंट वहाँ पे होगा इलीगल इमिग्रेंट हो सकता है रिफ्यूजी हो सकता है या कोई और भी कोई जॉब वगैरह के लिए किसी देश में रह रहा है तो वो एलियन होगा बट इसको जो राइट right है इसको लिमिटेड राइट right या कुछ लिमिटेड uh, नियम इसको या लिमिटेड जो, जो अधिकार है वो लिमिटेड अधिकार इसको यहां पर आपको दिए जाएंगे तो जो भी पॉपुलेशन देश में रहती है डिवाइडेड इंटू सिटीजन एंड अलायंस अब हमारा जो कंसनट्रेशन है वो है सिटीजन के ऊपर एलियन इसलिए बता दिया क्योंकि एलियन कई बार आगे वर्ड आपको यहां पर आपको यहाँ पर यूज होगा विदेशी देश का नागरिक और जो एनिमी एलियंस पे एक वर्ड यूज होगा उसका मतलब होता है किसी विदेशी शत्रु देश का नागरिक ठीक है अब शत्रु देश कौन है ये गवर्नमेंट ने कभी आ, उसको डिफाइन नहीं किया लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे कानून है जैसे एक लॉ है द लॉ इज कॉल्ड द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट करके कानून है 1955 का है शायद है ना इसमें क्या होता है कि जो भी पाकिस्तान वगैरह के लोग जो पाकिस्तान या चाइना वगैरह कोई देश चले गए हैं तो उन लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीज़ कर लेगी उसको लेके कानून है सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ है ना कि एक एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है जहां पे शत्रु संपत्ति अधिनियम है जहां पे कोई व्यक्ति अगर भारत से बाहर चला गया रहने तो उसकी संपत्ति सीज हो जाती है एग्जाम्पल के लिए सैफ अली खान तो उनके जो फादर थे वो भारत से बाहर मतलब पाकिस्तान चले गए थे तो उसके बाद उनकी जो प्रॉपर्टी है उनकी प्रॉपर्टी पर सैफ अली खान वगैरह का अधिकार नहीं रहा तो उसको लेके

कुछ बहस स्टार्ट हुई जब भारत अनडिवाइडेड था या विभाजित नहीं हुआ था उसके बाद जब फिर से आज़ादी के बाद उसको रिवाइम किया गया तो वहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन था कि कई सारे लोग ऐसे थे जो भारत के बाहर मतलब अभी पाकिस्तान वाले एरिया में चले गए ईस्ट में चले गए वेस्ट पाकिस्तान में चले गए तो वो जो पाकिस्तानी लोग हैं मतलब वो पाकिस्तानी हो गए तो वो भारत में आना चाहें तो क्या होगा या क्या अधिकार वहाँ पर होंगे कि अगर कई सारे क्वेश्चन वहां पे पूछे गए फॉर एन एग्जाम्पल कि जो भारत में जन्मा है वो भारत का नागरिक है अब भारत में जन्मा है मतलब या भारत की धरती पे जन्मा है तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो एक एक एग्जांपल किसी ने दिया वहां पर और उन्होंने बोला कि एक प्लेन भारत के ऊपर से उड़ रहा है और वो व्यक्ति जो है वो भारत की सीमा के ऊपर ही मतलब इंडिया का जो एयर है वहां पर उसका जन्म अगर हो जाता है तो क्या वो भारत का नागरिक होगा ठीक है तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन वहां पर उनसे पूछे गए जिसमें पूछा गया कि भारत का नागरिक एक्चुअली कौन होगा और काफी ज्यादा डिस्कशन इसके ऊपर हुआ कि हम क्या चीजें रखें अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात वहां पर ये थी कि भारत की नागरिकता किस प्रकार की हो क्योंकि उसके पहले हम सभी लोग ब्रिटिश नागरिक थे ब्रिटिश राज्य के वहां पर आपको नागरिक

तो वो कैलिफोर्निया का भी नागरिक होगा दोनों का नागरिक होगा तो ये कुछ ऐसे हो गया कि वो इंडिया का भी नागरिक हो गया और मध्य प्रदेश का भी नागरिक हो गया तो ये दोहरी नागरिकता हो गई अब हमारा जो मेन चैलेंज था वो था देश के सोवरिटी या जो प्रभुत्व संपन्ता है उसको मेंटेन करना क्योंकि तो इतने से यार सारे रियासती राज्य थे इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल था तो इसके लिए बोला कि भारत में जो नागरिकता है वो सिंगल सिटीजनशिप होगी एकल नागरिकता होगी कि भारत का जो भी व्यक्ति है जो भी भारत में रहता है या जिसको सरकार ने नागरिकता का अधिकार दिया है वो सिर्फ भारत का ही नागरिक होगा भारत के अलावा किसी दूसरे देश

मामले हैं उन सब मामले को जो है वो वहाँ पर आपको तो को अधिकार दिया गया कि नागरिकता के संबंधित कोई भी संसद uh, के द्वारा से संबंधित सभी मामलों के अंदर जो कानून है कानून यहाँ पर आपको बनाती है अब पहला जो कानून था इंडियन सिटीजनशिप एक्ट या भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ये कानून जो है 1955 में आया उसके बाद इसमें कई बार अमेंडमेंट हुए 1955 के बाद 1957 60 85 86 92 35 15 रिसेंट अमेंडमेंट जो है 2019 में हुआ जिसको हम सीएए भी बोलते हैं शेड्यूलशिप अमेंडमेंट एक्ट भी बोला जाता है तो ये अभी तक टोटल अमेंडमेंट है या टोटल जो संशोधन है वो संविधान के आपके इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के अंदर यहाँ पर आपको हो चुके हैं ठीक है थीके? अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स की क्योंकि ज़्यादातर जो सिटीज़न की चीज़ें हैं वो हमको दी गई है आपके इंडियन सिटीजन इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के अंदर लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें संविधान के अंदर दी गई है उनके बारे में हम देख लेते हैं कि संविधान में क्या क्या प्रावधान दिए गए कि कौन भारत का नागरिक होगा अभी जितनी भी चीज़ें दी गई हैं ये ऐसा दिया गया कि उस समय की जो स्थिति थी नाइनटीन की या सिक्सटीज़ की उस चीज़ की स्थिति को लेके दिया आर्टिकल फाइव बोलता है

कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के ना एवरी पर्सन हु हैज़ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कि uh, संविधान जब लागू हुआ संविधान लागू होने के समय जो भी व्यक्ति भारत में रहता हो ठीक है अब वो भारत का नागरिक होगा कौन जो भारत में पैदा हुआ हो बोर्न इन इंडिया कि वो जो भी व्यक्ति जो समय उस समय का जो भारत था मतलब उस समय जो डिवाइड हो चुके थे हम तो पूरा uh, अभी का जो भारत है वो पूरा भारत फॉर्म हो चुका था तो वो भारत में पैदा हुआ वो व्यक्ति अभी का जो भारत है उसमें पैदा हुआ आज पेरेंट बॉर्न इन

for the 5 year immediately before the commencement ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन शेल भी सिटीजन ऑफ इंडिया कि कोई भी व्यक्ति जो समय तक पांच साल तक भारत में रहा हो अब इसमें ऐसा क्या था कि उस समय बहुत सारे विदेशी नागरिक भी भारत में रहते थे कई सारे अंग्रेज लोग भारत में रहते थे फ्रेंच या ब्रिटिश या और भी कई सारे कंट्रीज के लोग रहते थे तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पांच साल तक भारत में रहा हो या संविधान के लागू होने के पहले तो वो भी भारत का नागरिक या वो भी सिटीजन ऑफ इंडिया यहां पर आपको माना जाएगा ठीक है तो ये कुछ कंडीशन उसके अंदर यहां पर आपको दी गई और उसके बाद कोई भी व्यक्ति है ना और एनी केस इज माइग्रेट टू इंडिया कोई व्यक्ति भारत के बाहर के क्षेत्र का हो मतलब पाकिस्तान का हो ये सब कंडीशन तो क्या हो गई जो ऑलरेडी लैंड ऑफ द इंडिया के ऊपर है ना जो भारत का लैंड उस समय था उस पर रहता है लेकिन कोई व्यक्ति बाहर से आया हो कोई माइग्रेंट हो तो इन केस माइग्रेंट टू द इंडिया और आफ्टर सोलह उन्नीस जुलाई उन्नीस और उसके बाद अगर वो भारत में मतलब उसके पहले अगर भारत में माइग्रेट हुआ हो क्योंकि ये एक तारीख थी उन्नीस जुलाई कि बोला गया कि जो पाकिस्तान वाले एरिया में रहते हैं वो चाहे तो भारत में आ जाए तो कई सारे लोग अपना सामान उठा के वो फोटोज मैंने डाले नहीं मुझे अभी याद आया तो कई सारे लोग जो हैं वो अपना सामान उठा के गठरी गठरी वगैरह उठा के भारत के अंदर यहां पे आ गए अपनी ज़मीनें पर आपको छोड़ के तो ऐसे कई सारे माइग्रेंट्स थे जो पाकिस्तान वाले एरिया से भारत में आए भारत के एरिया एरिया से पाकिस्तान वाले एरिया में गए तो कई सारे लोगों का इस प्रकार से जो आना आना जो आपका जो एक्सचेंज है वो एक्सचेंज यहां पर बॉर्डर एक्सचेंज वहां पर आपको हुआ और उसी के केस में ये तारीख तय की गई कि उन्नीस जुलाई और इस तारीख या इस तारीख के बाद में अगर कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर आया है तो वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा या वहां पर पर आपको आपको भारत के अंदर यहां हो सकता है ठीक है तो ये माइग्रेट टू इंडिया है ना ऑन और आफ्टर दैट इस इस डेट डेट के बाद है ना क्योंकि उस समय सॉरी तक लोगों को अलाउ किया गया था मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया इस डेट तक लोगों को अलाउ किया गया था कि वो बॉर्डर को एक्सचेंज कर सकते हैं इस देश में आ सकते हैं वहां जा सकते हैं भारत से पाकिस्तान पाकिस्तान से इंडिया आ सकते हैं इस डेट के बाद अगर कोई आएगा तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा तो ये तारीख दी गई थी जब आप माइग्रेंट वहाँ पर आपको हो सकते हैं ठीक है उसके बाद अगला आर्टिकल ये हो गया आपका आर्टिकल फाइव उसके बाद अगला आर्टिकल बोलता है कि पर्सन हु माइग्रेट टू तो पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर फर्स्ट मार्च 97 1947 बट लेटर रिटर्न टू इंडिया फॉर री कुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चला गया हो पाकिस्तान से वापस अभी यहां पर आपको आया हो तो उसके लिए ऑफ मार्च 1947 तय की गई कि इस डेट के पहले है ना इस या, इस डेट डेट या के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो भारत में फिर से लौट के आया हो तो वो भी भारत का वहां पर आपका नागरिक होगा मतलब भारत में सेटलमेंट के लिए बसने के लिए आया हो ऐसे नहीं घूमने फिरने आ गया कि चलो घूमने फिरने चलते हैं तो भारत के अंदर परमानेंटली सेटल होने या स्थापित होने डेट के बाद तो उसको भी भारत का नागरिक माना जाएगा लेकिन ऐसा कोई भी नागरिक अगर इस तारीख के बाद आया है तो उसको कम से कम देश में छः महीने के लिए यहां पर आपको रहना पड़ेगा सिक्स मंथ के लिए रहना पड़ेगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल सी चीजें ये वो व्यक्ति है जो माइग्रेट व्यक्ति है जो पाकिस्तान चले गए या। ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान चले गए फिर से भारत के अंदर आ गए है ना या वो आना चाह रहे हैं वहां पे तो वो उसके लिए डेट वहां पर आपको या इसके अंदर यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल एट बोलता है राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो भारत के बाहर लोग रहते हैं तो उनके लिए अधिकार अब उस समय कई सारे भारतीय लोग बाहर रहते थे जो इंडिया के बाहर काम करते थे लेकिन है इंडिया के ही लोग इंडिया के सिटीजन हैं लेकिन भारत के बाहर रहते हैं तो उनके लिए भी कुछ प्रोविजन दिए गए सो दे हैव द प्रोविजन लाइक कि हुज पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स उसके माता पिता या उसके जो दादा दादी हैं ठीक है थीके? उनका जो जन्म है वो अविभाजित भारत के अंदर हुआ हो है ना बट रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया शेल बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया बिफोर काउंसलर कि व्यक्ति भारत के बाहर कोई रहता हो तो भारत के बाहर रहता है तो ठीक है उसके मां बाप तो भारत के नागरिक हैं इंडियन सिटीजनशिप उनको मिली हुई है लेकिन अगर उनका बच्चा है अगर कोई बच्चा पैदा होता है या उसका बॉर्न होता है वहां पर तो वहां पर अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं ठीक है तो ऐसा व्यक्ति जो नाबालिग बच्चा हो कोई भी व्यक्ति हो जिसका जन्म बाद में हुआ है उसके अंदर और माता पिता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हो या दादा दादी भारत के नागरिक हो तो जहाँ पर भी वो रहते हैं उस देश का जो काउंसलेट है या उस देश का जो एम्बेसी होता है या दूतावास होता है वहाँ पर जाकर जाकर उसको भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई वहाँ पर आपको करना पड़ेगा ठीक है तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक वहां पर आपको बन सकता है जो भारत के बाहर वहां पर आपको रहता है ठीक है उसके बाद आ, अगला बोलता है कि पर्सन वॉलेंटरी अक्वायर्ड ये आर्टिकल जो नाइन है ये बेसिकली बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी मर्जी से अपनी नागरिकता छोड़ दे है ना रेना। रिनाउंस सिटीजनशिप नागरिकता को छोड़ दे या किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर ले तो ऐसे केस में उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी उसको हम आगे देखेंगे ये आगे डिटेल में देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपको आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा इसको मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ अब क्योंकि आर्टिकल बताना जरूरी था वो मैंने बता चुका अब थोड़ा सा एक तरीके से इतिहास हो गया अब प्रेजेंट में क्या है प्रेजेंट में क्या है? क्या सिचुएशन बनी उनके बारे में बात करेंगे तो पहला है कि पांच तरीके से आप सिटीजनशिप अक्वायर कर सकते हैं पहला तरीका है बाय बर्थ जन्म के द्वारा तो कोई भी व्यक्ति है ना बोर्न ऑन आफ्टर द ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन फर्टी बट एक जुलाई उन्नीस सौ के पहले किसी व्यक्ति का यहाँ पर आपको जन्म हुआ हो ठीक है कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म ऑन और आफ्टर छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास या एक जुलाई उन्नीस सौ के बाद के बाद में के बीच में उसका जन्म हुआ हो या उसके पेरेंट्स कोई भी हो भारतीय हो या नहीं हो उसको भारत का नागरिक वहाँ पर आपको माना जाएगा ठीक है तो कोई भी व्यक्ति जिसका आ, भारत के अंदर जन्म हुआ संविधान लागू होने के पहले और संविधान लागू होने से लेके 1 जुलाई उन्नीस सौ सत्तासी तक इस दौरान अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो भारत का नागरिक माना जाएगा ठीक है जन्म के आधार पर या बाय बर्थ माना जाएगा दूसरी कंडीशन है जो डेट बताया कि 1 जुलाई उन्नीस इस डेट को या इस डेट के बाद अगर कोई व्यक्ति अगर पैदा हुआ हो ठीक है उसकी कंडीशन में क्या होगा उसके कंडीशन में ये होगा कि उसके कंडीशन में अगर उसके माता पिता में से कोई भी अगर एक भारतीय हो ठीक है आइदर मदर और पेरेंट्स आइदर पेरेंट्स जो है वो अगर भारतीय हो तो एक जुलाई उन्नीस या उसके बाद में बच्चा पैदा हुआ तो उसके बाद में अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसके मदर और फादर दोनों में से अगर कोई भी अगर एक भारतीय हो तो बच्चे को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी ठीक है ओके फिर से बता देता हूँ कोई भी व्यक्ति ये फोटोज़ मैंने ऐसे रैंडमली लिए हैं ये मत बोलना कि ये दोनों इनकी बच्ची है तो विदेशी है ये इंडियन है और बच्ची भी इंडियन है तो एग्जाम्पल के लिए सिर्फ लिया गया है ना उसको कुछ गलत मत समझना तो आ, मदर और फादर में से कोई एक इंडियन है ठीक है तो इस डेट के इस डेट्स के बाद में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ हो उसका एक और डेट है उसका एंड वाला डेट भी हो आगे बताऊंगा मैं इस डेट के बीच में अगर कोई भी बच्चा पैदा हुआ हो तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा अगर उसके माँ बाप में से कोई भी अगर एक भारतीय है है ना आइदर ऑफ हिस्स पेरेंट बिकम इंडियन है तीसरा कंडीशन तीसरा कंडीशन बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जो तीन दिसंबर ऑन और आफ्टर तीन दिसंबर दो है ना उसके बाद वहाँ पर आपको पैदा हुआ हो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा है ना बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ उसके माता पिता दोनों भारतीय हो तो डेट क्या हो गई यहां पर आपका जो डेट था एक जुलाई उन्नीस से, से लेकर तीन दिसंबर 2003 क्योंकि 2003 में अमेंडमेंट हुआ था तो इस तारीख के बीच में अगर कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति अगर भारत में पैदा हुआ हो या भारत में जो पैदा हुआ हो और उसके माँ बाप जो हैं दोनों माँ बाप अभी यहाँ पर अब बोला गया बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया कि उसके माँ बाप दोनों जो है वो भारतीय नागरिक होना चाहिए पहले क्या बोला कोई भी एक होगा चलेगा एग्जाम्पल कि ये फोटो को कोरिलेट बिल्कुल भी मत करना ऐसे रैंडमली मैंने उठा के डाल दिया है तो माँ बाप जो है वो दोनों इंडियन हैं ठीक है और बच्चा जो है वो भी इंडियन है अब लग तो नहीं रहा इंडियन लेकिन ठीक है इंडियन मान लो उसको तो बच्चा भी आपका इंडियन हो गया ठीक है तो माँ बाप दोनों इंडियन हैं जो बाहर के भारत के बाहर रहते हैं और बच्चा भी यहाँ पर आपका इंडियन हो गया ठीक है अब इसमें आ... किसको नागरिकता नहीं मिलेगी पहली नागरिकता उसको नहीं मिलेगी जो फॉरेन डिप्लोमेट है कोई विदेशी देश का नागरिक जो भारत के अंदर रहता है भारत के एम्बेसी वगैरह में कोई जॉब कर रहा है उस प्रकार से कोई भी पोस्ट उसको यहाँ पे मिली है वो और कोई एनिमी एलियन एनिमी एलियन कोई विदेशी देश का जो शत्रु देश का जो नागरिक है वो भारत में रह रहा हो उसका बच्चा अगर पैदा हुआ तो उसको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी अब इसका मतलब तीन हजार दो हज़ार तीन दिसंबर दो हज़ार तीन के बाद जो भी व्यक्ति जिसके माता पिता दोनों भारतीय हों उनको ही भारत के नागरिक नागरिकता या इंडियन सिटीजन

सॉरी भारत के बाहर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसकी पहली कंडीशन है अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर द 10 दिसंबर 1992 हैन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डेसेंट इफ हिज फादर वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इज बर्थ है ना कि अगर भारत के बाहर किसी बच्चे का जन्म हुआ है और उसके जन्म के समय इस डेट के बीच में 26 जनवरी 1950 से लेके आपका 10 दिसंबर उन्नीस के बीच में अगर उस व्यक्ति का जन्म बच्चे का जन्म हुआ है और उसके पिता अगर भारत के नागरिक हैं तो वो बच्चा भी भारत का नागरिक वहाँ पर आपको कहलाएगा दिस इज द कंडीशन नंबर वन ठीक है दूसरी कंडीशन बोलती है और आफ्टर द

माँ बाप दोनों भारतीय हैं अब यहाँ पे क्या बोला गया कि माँ बाप दोनों भारतीय होना जरूरी है वहाँ पे बोला ऑफ और पेरेंट पहली कंडीशन किसी पिता भारतीय हो दूसरी कंडीशन माता पिता में से कोई एक भारतीय हो और तीसरी कंडीशन तो जो 2004 से वहाँ पर आपको लागू होगी उसमें बोला गया कि जो माता पिता हैं वो दोनों नागरिक भारत के नागरिक हो और बच्चे के जन्म के बाद है ना इन अ वन ईयर बच्चे के जन्म के एक साल बाद जिस भी देश में वो रहते हैं जिस भी कंट्री में रहते हैं उस कंट्री में जाके उस कंट्री में जो भारतीय काउंसलेट है वहाँ पर जाके बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रेशन उसका पंजीकरण वहां पे कराना जरूरी कि भैया बच्चा हुआ है ये भारत का नागरिक है उसको नागरिकता दे दो सो बच्चा फिर से खुश हो गया भारत की नागरिकता मिल गई बल्ले बल्ले उसकी हो गई उसका चौथी कंडीशन बोलती है कि जो भी माइनर बच्चा है जैसे ये माइनर बच्चा है ना दिस इज माइनर बच्चा अब ये जो माइनर बच्चा है इसका जन्म हुआ और इसके जन्म के समय ठीक है तो माइनर सिटीजन अब uh, ये डेसेंट यहाँ पर है और डेसेंट होते हुए अगर उसके माँ बाप ने उसके मदर फादर उन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ दी ठीक है अब हो सकता है कि बच्चा भारतीय वंश का है भारत के मूल का है लेकिन माँ बाप ने भारत की नागरिकता छोड़ के एग्जाम्पल के लिए अमेरिका की नागरिकता ले ली ठीक है अब अमेरिका की नागरिकता ले ली तो अगर माँ बाप अमेरिका का नागरिक हैं तो उसके केस में बच्चे की भी नागरिकता चली जाएगी छोटा बच्चा है उसकी नागरिकता चली जाएगी क्यों चली जाएगी क्योंकि बाकी जो तीन कंडीशन थी उसमें हमने क्या देखा कि बच्चे की नागरिकता माँ बाप पे तय हो, हो रही है माँ बाप से तय हो रही है ठीक है क्योंकि नाबालिग है वो माइनर है अगर बच्चा मेजर हो जाता है मतलब 18 ईयर अगर यहाँ पे बच्चा क्रॉस कर लेता है एंड आफ्टर क्रॉसिंग द 18 ईयर 18 साल क्रॉस करने के बाद बच्चे को ऐसा लगता है कि भैया मुझे तो भारत का नागरिक बनना चाहिए अब फुल एज होने के बाद मतलब अठारह साल का हो गया वो अठारह साल होने के बाद सिक्स मंथ विद इन सिक्स मंथ अगर वो भारत में एप्लीकेशन देता है कि मुझे नागरिकता चाहिए और मैं मेरे माँ बाप ने भारत की नागरिकता छोड़ दी थी लेकिन मैं अभी अठारह साल का हुआ हूँ तो मुझे भारत के नागरिकता नागरिकता दे दो तो ने छोड़ दी लेकिन बच्चा साल का फुल एज करने के बाद एप्लीकेशन बोलेगा कि मुझे 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 नागरिकता 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 दो 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 तो ऐसे करके उसको नागरिकता वहाँ पर आपको मिल जाएगी लेकिन ये जो भी है ये उसके साल के होने आपको होना चाहिए तो नागरिकता प्राप्त कर सकते हो ठीक है चौथा बोल तीसरा जो तरीका है वो है बाय रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के द्वारा अब ये कंडीशन क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है भारत की नागरिकता के लिए पंजीकरण वहां पे करेगा ठीक है अब उसके लिए अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ना ये कौन है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भारतीय मूल का व्यक्ति हो है ना भारतीय मूल का होना जरूरी है क्योंकि कंफ्यूज मत होना क्योंकि रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन दो अलग अलग कंडीशन है तो रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या है कि इंडियन ओरिजिन हो जो भारत के अंदर कम से कम इंडियन ओरिजिन का रहते हुए इंडियन ओरिजिन तो उसका वंश कभी भारत में रहा हो या जैसे अभी जो बच्चा था वो छः महीने में नहीं ले पाया फिर बाद में सोच रहा है कि यार चलो भारत की नागरिकता ले लेते हैं है ना अपना देश सबसे अच्छा है तो वो फिर बाद में भारत में आया कि भैया मुझे नागरिकता दो मुझे नागरिकता दो मुझे नागरिकता दो तो वो आया और वो जब भी रजिस्ट्रेशन के लिए अपील करेगा या अप्लीकेशन देगा और उसके बाद सात साल तक उसको एप्लीकेशन देने के सात साल तक उसको वहाँ पे पहले भारत के अंदर यहाँ पर आपको रहा हो ठीक है तो सात साल तक भारत में रहा हो और भारत में रहने के बाद एप्लीकेशन दे सकता है कि मैं इंडियन ओरिजिन का हूँ सात साल में भारत रह रहा हूँ तो मुझे नागरिकता दे दो ठीक है दूसरा बोलता है अ पर्सन हु आर मैरिड टू इंडियन सिटीजन ये बड़ा खतरनाक चीज़ है अगर कोई भी व्यक्ति उसने अगर किसी भारतीय से शादी की हो किसी इंडियन से शादी की हो तो जो शादी करके आने वाला जो है वो भी भारत का यहाँ पर आपको नागरिक होगा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सोनिया गांधी और ये जो अमेंडमेंट था ऐसा तो कहा जाता है आई एम नॉट श्योर ऐसा मैंने कई जगह पढ़ा है कि ये अमेंडमेंट उन्हीं के लिए लाया गया क्योंकि वो भारत की नागरिक नहीं थी ठीक है तो भारत की नागरिक नहीं थी और जब उनकी राजीव गांधी से शादी हुई तो अब मैरिड आउटसाइड इंडिया बारह से शादी किया तो बोला जाता है उसलिए अमेंडमेंट किया गया आई एम नॉट हंड्रेड परसेंट श्योर बस ये र्यूमर्स है कि उसके बाद ये अमेंडमेंट किया गया कि जो भी व्यक्ति है वो भारतीय से अगर शादी करेगा तो वो भी भारत का नागरिक हो जाएगा है ना उसके बाद माइनर चिल्ड्रेन टू ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया कि भारत के जो नागरिक हैं उनके कोई भी माइनर चिल्ड्रन है माइनर चिल्ड्रेन मतलब छोटे बच्चे हैं जो अठारह साल से कम है तो वो भी भारत के नागरिक होंगे ठीक है उसके बाद कोई भी व्यक्ति जो फुल एजेंट कैपेसिटी का है उसके कोई आइदर ऑफ इस पेरेंट्स वॉस अर्लियर वर्स रिजिन ऑफ इंडिया है ना एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर अ ट्वेल्थ मंथ कोई भी व्यक्ति जिसके जो माता पिता हैं आइदर ऑफ इस पेरेंट्स अर्लियर अर्ली वीरियन ऑफ इंडिया ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया से मतलब क्या सैतालीस के बाद कि किसी के भी माता पिता अगर सैतालीस के बाद भारत के नागरिक रहे हो तो वो व्यक्ति आके यहाँ पे बोलेगा कि भैया मुझे नागरिकता दे दो मुझे नागरिकता दे दो मुझे नागरिकता दे दो तीन बार बोलेगा उसको नागरिकता मिल जाएगी अगर वो एक साल तक या ट्वेल्व मंथ तक भारत के अंदर यहाँ पर आपको रहा हो ठीक है अब पहले और उसमें अंतर क्या है ये आपको थोड़ा बता देता हूं मैं कि पहले वो व्यक्ति है जो इंडियन ओरिजिन का है ना इसको बोलते हैं ना एनआरआई नॉन रेसिडेंशियल इंडियन या ओसीआई कार्ड जिसके पास होता है भारत के नागरिक थे लेकिन भारत के नागरिक होने के बावजूद इनने भारत की नागरिकता छोड़ दी उसके बाद दो हजार तीन में जब अमेंडमेंट आया तो सम ये सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट किया गया तो कई सारे भारत के लोग जो बाहर रहते थे तो उस समय पे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे और उनको लगा कि जो लोग भारत के बाहर रहते हैं उनको भी नागरिकता का कुछ अधिकार होना चाहिए कुछ राइट्स होना चाहिए तो उस उन्होंने फिर आपका जो इंडियन ओरिजिन जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट की या ओ कार्ड या पी कार्ड है पंडित पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ऐसे कार्ड्स उन्होंने स्टार्ट किए फिर बाद में उसको मर्ज करके मोदी जी ने जो है उसको ओ कार्ड बना दिया ठीक है तो ऐसे लोग तो जो भारतीय मूल के थे लेकिन बाहर रहते थे उनको भारत का टच हो या भारत में वो आना जाना कर सके उसके लिए उनको ये सब प्रावधान पर आपको किए गए। तो यहां पे वो व्यक्ति है जो भारतीय मूल के हैं और ये यहां पर वो व्यक्ति है जो पूरी उम्र के बाद वो जो इसके पहले मैंने कंडीशन में आपको बताया था डेंट वाली कंडीशन में कि वो भारत में आएगा और भारत में आने के बाद एक साल तक रहेगा उसके बाद एप्लीकेशन देगा कि मुझे भारत की नागरिकता यहाँ पर आपको दे दिया जाए तो दिस इज बाय द रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के द्वारा ठीक है चौथा है यहाँ पे बाय नेचुरलाइजेशन या प्राकृतिकरण द्वारा प्रकृतिकरण द्वारा अब इसके अंदर क्या है पहली वाली कंडीशन जो थी आपके रजिस्ट्रेशन के द्वारा तो वहाँ पर कौन है जो भारतीय नागरिक रहे हों इंडियन ओरिजिन के हों माँ बाप कोई भारतीय हो या भारतीय से शादी कर ली हो ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी ठीक है इसका मतलब सोनिया गांधी जो है उनको नागरिकता कैसे मिली है बाय रजिस्ट्रेशन मिली है ना उनके पंजीकरण के द्वारा मिली है ठीक है उसका चौथा जो है वो है बाय नेचुरलाइजेशन या प्राकृतिकरण द्वारा अब इसमें क्या है कि कोई भी आ, कोई भी फॉरेनर या कोई भी विदेशी ठीक है जो भारत के अंदर इल्लीगल माइग्रेंट ना हो इलीगल माइग्रेंट मतलब क्या होता है गैर कानूनी प्रवासी ना हो कि गैर कानूनी रूप से भारत के अंदर आ गया है जैसे आपके बांग्लादेश के कई सारे लोग भारत के अंदर असम और बाकी एरियाज में आ गए हैं तो वो क्या है वो इल्लीगल माइग्रेंट है ठीक है दे आर द इ्लीगल माइग्रेंट समझना ये बहुत ये सबसे इंपॉर्टेंट है ठीक है तो वो इलीगल माइग्रेंट है गैर कानूनी भारत का नागरिक वहां पर है तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो गैरकानूनी प्रवासी नहीं हो मतलब प्रवासी हो लेकिन गैर कानून नहीं हो तो वो भारत के अंदर आके जो अपना एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे सकता है नागरिकता के लिए कि मैं अपने देश से यहाँ पर आ गया हूँ और मुझे नागरिकता चाहिए लेकिन वो वैध प्रवासी हो लीगल माइग्रेंट यहाँ पर हो ठीक है तो लीगल माइग्रेंट को यहाँ पर दी जा सकती है नेचुरलाइजेशन किसको दिया जाएगा एक विदेशी नागरिक को अब इसमें एक बड़ा अमेंडमेंट किया गया 2019 में और 19 के अमेंडमेंट में बोला गया कि पर्सन बिलोंगिंग टू हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन पारसी या क्रिश्चियन कम्युनिटी इन किसी भी कम्युनिटी या किसी भी धर्म से संबंधित व्यक्ति है और जो अफगानिस्तान बांग्लादेश या पाकिस्तान से भारत के अंदर आया है कब आया है इकतीस दिसंबर 2014, हज़ार ऑफ दिसंबर 2014 के बाद अगर भारत में आया है और उस तारीख को या उसके पहले अगर भारत में आया है और भारत के अंदर आके नागरिकता या शरण के आधार पर आया तो ऐसे व्यक्ति जो इन कम्युनिटीज़ के हैं जो हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन पारसी और इन तीन देशों से आए अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान तो ऐसे लोग भारत के अंदर जब आए हैं इस तारीख के पहले या उस तारीख को आए हैं तो ऐसे व्यक्तियों को जो है उनको गैर कानूनी नागरिक या इल्लीगल माइग्रेट नहीं माना जाएगा और ये लोग भारत में एकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो ये इसका उन्होंने वो एक सोल्यूशन निकाल लिया कि ऐसे लोग जो इस कम्युनिटी के हैं और इन देशों से आए हैं तो उनको भारत के अंदर जो नागरिकता है उनको भारत के अंदर सिटीजनशिप यहां पर आपको वो अप्लाई कर सकते हैं तो इनको इलीगल माइग्रेंट वहां पर आपको नहीं माना जाएगा ठीक है <coughs> तो सिर्फ इन्हीं कम्युनिटी को यहां पर आपको अधिकार दिया गया अब सवाल उठता है कि इन्हीं कम्युनिटी को क्यों दिया गया ये तीन ही देश को दिया गया तो एक जनरल सी एक चीज़ है कि भारत के अंदर कई सारे देश हैं कई सारे क्रिश्चियस देश हैं या कई सारे आपके मुस्लिम्स देश हैं लेकिन हिंदू जैन बुद्ध पारसी इन लोगों के लिए कोई अलग कंट्री नहीं है तो ये लोग जिस भी देश में रहते थे पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में तो इन देशों में इनके साथ में काफी इनका प्रसिक्यूशन किया जाता था इनके ऊपर काफी अत्याचार किया जाता था अगर पाकिस्तान में आप देखोगे तो आज़ादी के समय पे वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं स्पेशली हिंदू और सिख हैं उनकी संख्या तकरीबन 14 से 15 परसेंट थी अभी के समय पे वो संख्या कम होकर दो परसेंट होगी जबकि हमारे यहाँ पे जब आज़ाद हुआ तो उस समय जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी संख्या जो कुछ कुछ ग्यारह परसेंट थी अभी वो बढ़ के अठारह परसेंट आपकी हो जाएगी अभी जब अमेंडमेंट अभी जो आएगी सेंसस तो अभी सोलह परसेंट है बढ़ के अठारह परसेंट से ऊपर वहाँ पर आपको हो जाएगी तो इसका मतलब है कि भारत के अंदर ये नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं जबकि इन देशों के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों को हनन किया

14 का वायलेशन है अगर वायलेशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट उठा के बाहर कर देगा ठीक है तो ये हो गया नेचुरलाइजेशन या प्राकृतिककरण द्वारा जहाँ पर जो भी व्यक्ति है विदेशी नागरिक है और भारत में एप्लीकेशन दिया है कि भाई साहब मुझे नागरिकता दो मुझे नागरिकता दो मुझे नागरिकता दो ठीक है उसके बाद पांचवा तरीका फिफ्थ तरीका पहला पांचवा तरीका बोलता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी किसी क्षेत्र को भारत ने अक्वायर किया है तो कोई भी विदेशी देश के ऊपर या किसी भी दूसरे एरिया पे भारत जब हमला करेगा या जो भी वो किसी भी तरीके से भारत का अगर पार्ट बनेगा तो उस टेरिटरी को एक्वायर करने के बाद या उस क्षेत्र को भारत में एक्वायर करने के बाद वहाँ के जो लोग होंगे वो भी भारत के नागरिक वहाँ पर आपको हो जाएंगे तो ये पांचवे तरीके से एक्विजिशन ऑफ द टेरिटरी या क्षेत्र को भारत में लेने से वहाँ पे कि वो क्षेत्र भारत का हिस्सा बन गया उसके बाद वहाँ के लोगों को नागरिकता दी जाएगी एग्जाम्पल जो पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया तो उस समय पर जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट था उसके अंदर आपका जो सिटीजनशिप पांडिचेरी ऑर्डर 1962 सिक्सटी टू वहाँ पर आया और उसके द्वारा उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया और पांडिचेरी के लोग पौडिचेरी के जो लोग पौडिचेरी बोलते हैं हम उसको तो उनके लोगों को भारत के अंदर नागरिकता वहाँ पर आपको दी गई तो ये एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी है कल से हम किसी और पे अगर वो एरिया हमारे भारत में आ जाए तो वो भारत के नागरिक होंगे जैसे वन फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच जो, जो बाउंड्री एक्सचेंज किया गया तो कई सारे लोग थे जो बांग्लादेश के एरिया में थे भारत में आ गए तो अब वो एक्वायर टेरिटरी हो गई तो उसके लिए हमको फिर जो है वो इसमें अमेंडमेंट करके इसके अंदर एक ऑर्डर निकाल निकालना पड़ा और उसके द्वारा उनको भारत का नागरिकता उनको देना पड़ी ठीक है जैसे पी की अगर हम बात करें तो पी को अगर हम कल से अगर अक्वायर करेंगे क्योंकि उसके लिए तो हम जान भी दे सकते हैं है तो ना कुछ भी कर सकते हैं तो वो जब भारत फिर से लेगा तो उसके लिए किसी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी भारत का पार्ट है भारत ने अपना क्लेम कभी उसके ऊपर छोड़ा नहीं है तो जब भी इन जब उस एरिया को हम वापस लेंगे तो वहाँ के नागरिक भारत के नागरिक कहलाएंगे उनके लिए अलग से अमेंडमेंट जो है वो करने की जरूरत वहां पर आपको नहीं है चलिए तो दिस इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी ओके तो वो लिया गया अब ये चीजें हो गई कि नागरिकता कैसे ली जाती है पांच तरीके मैंने आपको बता दिए कमेंट सेक्शन में पांचों तरीके बता दो ओके okay, उसके बाद अगला जो है कि द लॉस ऑफ सिटीजनशिप सिटीजनशिप का लॉस होना या उसका हस होना ठीक है अब वो यहाँ पर हिंदी मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो हास है वो उसमें गूगल में आ नहीं रहा था तो अब हास ऑफ द सिटीजनशिप नागरिकता का हास होना या उसका खत्म हो जाना तो पहला जो तरीका है वो है रेनंसिएशन या त्याग कि व्यक्ति खुद से ही डिक्लेयर कर दे कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ उसने भारत का नागरिकता तो छोड़ दिया ठीक है तो पहली कंडीशन इफ एनी पर्सन डिक्लेयरिंग दैट रिनाउंस सिटीजनशिप भारत की नागरिकता उसने छोड़ दी है ठीक है अब इसमें क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता छोड़ता है तो उसके जो माइनर बच्चे हैं माइनर बच्चे मतलब जो अठारह साल से कम बच्चे हैं, उनकी भी नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी लेकिन वो बच्चे फिर से नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीक है जो मैंने आपको वंश के आधार पर डेसेंट के आधार पर जो कंडीशन बताई थी छोटी कंडीशन उसके आधार पर वो फिर से भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते आफ्टर अटेनिंग द ईयर या पूरा 18 एज का ईयर का एज कंप्लीट होने के बाद विद इन सिक्स मंथ वो अप्लाई कर सकते हैं तो उनके जो माइनर बच्चे हैं उनका भी सिटीजनशिप अभी यहाँ पर खत्म हो जाएगा लेकिन बाद में फुल एज के बाद फिर से मिल जाएगा दूसरा है टर्मिनेशन कि भारत की सरकार ने बोल दिया कि भैया अब हमारे नागरिक नहीं हो तुम निकल जाओ यहां से तो भारत की सरकार ने उसकी सिटीजनशिप जो है वहां पर आपको आपको खत्म कर दी हो ठीक है तो वैन इंडियन सिटीजन वॉलेंट्री अक्वायर दिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री किसी दूसरे देश के नागरिकता है वो उस व्यक्ति ने ले ली हो है ना तो आ, भारत का जो नागरिक है उसने पाकिस्तान या कहीं भी किसी भी देश की नागरिकता ले ली क्योंकि भारत में कंसेप्ट सिंगल सिटीजनशिप का एकल नागरिकता का है तो भारत का नागरिक किसी दूसरे देश में जाकर नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसके बाद वो भारत का नागरिक वहां पर नहीं रहता तो रेनंसिएशन के अंदर या बर्खास्तगी के अंदर क्या है ऑटोमेटिक उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी ऑटोमेटिक हो जाएगा उसके लिए करना नहीं पड़ेगा चौथ तीसरा है डेप्रीविएशन या उसको भारत की नागरिकता से वंचित किया गया अब कैसे वंचित किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए कोई भी टर्मिनेशन वहाँ पर करेगी

त्याग बर्खास्तगी और या वंचित करना इन तीनों के द्वारा किसी व्यक्ति की जो तो नागरिकता है वो नागरिकता यहां पर आपको खत्म हो सकती है तो ये बात हुई नागरिकता की सिटीजनशिप की कि, कि किस तरीके से नागरिकता किसी व्यक्ति को मिलती है या किस प्रकार से नागरिकता खत्म होती है वगैरह वगैरह सब कुछ आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा अब हम बात करते हैं शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के शेड्यूल की ठीक है तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था क्योंकि चीज़ें हमारी छूट गई थी क्योंकि वो पार्ट के चक्कर में तो जो शेड्यूल है अब एक्चुअली शेड्यूल होता क्या है और इसका काम क्या है ठीक है तो कोई भी अगर चीज़ होती है तो आपने जनरली देखा होगा कि एक इंडेक्स होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो हमने पढ़ा कि ये पार्ट तीन है या आर्टिकल एट है आर्टिकल नाइन है तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको अगर वहीं पे मेंशन कर दिया जाए तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जैसे शेड्यूल वन हमने पढ़ा या पार्ट वन हमने पढ़ा कि इंडिया दैट इज इंडिया दैट इज भारत और इट्स यूनियन ऑफ स्टेट करके और जो भी लिस्ट है वो फर्स्ट लिस्ट में वहां पे दिया गया है तो वो फर्स्ट लिस्ट जो है शेड्यूल वन वहां पे बोला गया है तो वो जानकारी अगर वहीं पे दे दी जाती तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता इसके लिए उसमें लास्ट में जो है वो अलग से शेड्यूल दिया गया जैसे आपके बुक में क्या होता है लक्ष्मीकांत आप देखोगे तो लास्ट में आपको कई सारे अपेंडिक्स अपेंडाइसिस हैं कई सारे अपेंडिक्स वगैरह उसके अंदर दिए गए हैं तो एक तरह से शेड्यूल है कि बोल दिया कि हाँ ठीक है आर्टिकल वन के अंदर यूनियन ऑफ स्टेट है और वो कहाँ पर है शेड्यूल वन में जो भी है तो शेड्यूल वन है तो उसके रेफरेंस के लिए आपको शेड्यूल वन देख लो खेल खत्म हो गया ठीक है इसलिए शेड्यूल्स उसके अंदर ऐड किए जाते हैं ताकि बाकी जो इन्फॉर्मेशन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर टाइम टू टाइम वहाँ पर आपको अपडेट की जा सके ठीक है तो भारत का जो संविधान बना उस समय संविधान के अंदर आठ शेड्यूल या आठ अनुसूची थी लेकिन अभी के समय में जो है बारह अनुसूचिया या ट्वेल्व जो शेड्यूल है वो ट्वेल्व शेड्यूल हमको यहाँ पर आपके संविधान में है अब एक एक करके देखते हैं कौन कौन से शेड्यूल हैं और पहला जो शेड्यूल है वो पहला शेड्यूल आपके इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ शेड्यूल वन जो आर्टिकल वन से लेकर आर्टिकल फोर से फोर तक रिलेटेड है इनके थोड़े से आर्टिकल आप चाहो तो याद कर सकते हो आर्टिकल वन से लेकर आर्टिकल फोर है और जहां पे जितना भी इंडिया के स्टेट हैं और जो टेरिटरी हैं भारत के अंदर या टेरिटरी में जो भी बदलाव जो भी चेंजेस होंगे उन सभी के बारे में इसके अंदर यहाँ पर आपको दिया गया है ठीक है तो जो भी भारत की टेरिटरीज हैं उनमें चेंज हुआ जो भी भारत के क्षेत्र हैं वगैरह वगैरह उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यूनियन और उस टेरिटरी तो राज्य और राज्यों के नाम शेड्यूल वन में दिए गए हैं शेड्यूल टू है अनुसूचित दो है ये बोलता है लिस्ट ऑफ सैलरीज ऑफ पब्लिक ऑफिशल जज और सीएजी वगैरह या आपके राष्ट्रपति हैं या बाकी जो पब्लिक ऑफिशर्स वगैरह उनकी सैलरी दी है पैसा वहाँ पर हमको दिया है कि सैलरी और एमोल्यूमेंट्स कितने होंगे क्योंकि आगे जब हम हाँ पढ़ेंगे तो आपको बताऊँगा कि जितने भी अधिकारी इसके अंदर हैं जितने भी आपके गवर्नमेंट पोस्ट हैं वो ऐसे लोग हैं जिनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर या पद की जो सिक्योरिटी है वो सुरक्षा है वो सुरक्षा सरकार के द्वारा वहाँ पर उनको दी गई है कि आपको जो सुरक्षा है वो सुरक्षा उसके अंदर यहाँ पर आपको मिलेगी ठीक है तो ये ऐसे लोग हैं जिनको स्पेशल जो सिक्योरिटी है वो गवर्नमेंट इस प्रकार की स्पेशल सिक्योरिटीज़ उन लोगों को वहां पर आपको प्रोवाइड की है ठीक है अब ये कौन कौन से हैं उसके अंदर आपके आर्टिकल फिफ्टी नाइन थ्री और बेसिक राष्ट्रपति होगा उपराष्ट्रपति सेवेंटी फाइव तो ये सब आर्टिकल्स मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तब एक बार और बता दूंगा तो ये आर्टिकल उस समय आपको याद करा दूंगा कि कहाँ कहाँ पर किसके बारे में प्रोविजन है शेड्यूल तीन बोलता है ओथ शपथ कि जो भी संविधानिक पद है उनकी शपथ का प्रावधान इसके अंदर है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो सरकारी पद पे इलेक्ट होता है या जो भी सरकारी पद पे कोई जज या कोई भी आपके इलेक्ट या नॉमिनेट होते हैं तो उन व्यक्तियों को एक शपथ लेना पड़ती है, है ना कि जैसे आए पवन चौधरी डुसवेर ऑन द नेम ऑफ गॉड ऐसे करके शपथ लेना पड़ती है जो शपथ जो है वो सब चीज़ें अलग अलग हैं राष्ट्रपति की शपथ अलग होगी मंत्रियों की अलग होगी मंत्री दो तरह की शपथ लेते हैं एक शपथ जो है वो अपने पद की लेते हैं और दूसरी सिक्रेसी के लेते हैं गोपनीयता के लेते हैं कि जो भी मैटर उनके रिस्पेक्ट में लाया जाएगा वो उनको गोपनीय रखेंगे तो गोपनीयता की शपथ ली जाती है सबकी शपथ कुछ कुछ वहां पर आपको अलग है इसके लिए सभी की शपथ वहां पे दी गई पचहत्तर निन्यानवे एक वगैरह सब में शेड्यूल फोर जो है ये आर्टिकल फोर और एटी के अंदर है तो इट इंक्लूड द तो आर्टिकल फोर और आर्टिकल एटी ये तो आप याद कर ही सकते हो ठीक है अब इसके अंदर द डिटेल ऑफ अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा किसी भी राज्य में राज्यसभा की सीटें

उसका प्रोविजन उसके अंदर शेड्यूल वहां पर आपको दिया गया है ठीक है तो राज्यसभा की सीटें संविधान के द्वारा तय होंगी और इसमें जो भी अमेंडमेंट है टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होगा फोर वन और एटी टू जो है राज्यसभा का है उसके अंदर हमने पढ़ेंगे जब राज्यसभा तो बताऊंगा, तो दोनों प्रोविजन उसके अंदर है शेड्यूल पाँच बोलता है जो आर्टिकल टू फोर्टी फोर वन से रिलेटेड है ये तो आप याद कर ही सकते हो प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब किसी भी क्षेत्र में अब दो शेड्यूल जो है अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है पांच और छह दोनों दोनों में अंतर है पांच बोलता है शेड्यूल्ड एरिया दो सौ चौवालीस में कि भारत के कुछ क्षेत्रों के अंदर जहां पर ट्राइबल एरिया है अनुसूचित क्षेत्र हैं अनुसूचित जनजातियां हैं उनके प्रावधानों के लिए या उनके मैनेजमेंट के लिए प्रबंधन यहां पर आपको दिया शेड्यूल 5 में जिसमें मध्य प्रदेश भी आपका शामिल है ठीक है उसके बाद शेड्यूल सिक्स बोलता है आर्टिकल 244 2 के अंदर और आर्टिकल 275 1 के अंदर है वो बोलता है कि प्रोविजन मेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम ये चार स्टेट ये चार स्टेट का स्पेशल प्रोविजन दिया गया क्योंकि इन चार स्टेट्स के अंदर जो शेड्यूल ट्राइब है वो मतलब नाइन्टी से ज़्यादा परसेंट पॉपुलेशन कहीं कहीं पे तो शेड्यूल ट्राइब है या शेड्यूल एरिया पूरा एरिया ही अनुसूचित वहाँ पर आपको क्षेत्र है तो किसी भी अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए ये प्रोविज़न दिया गया असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम नॉर्थ ईस्ट के साथ में से चार डिस्ट्रिक चार स्टेट जो हैं इसके अंदर यहाँ पर आपको शामिल है और इन्हीं स्टेट के अंदर दस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या दस आपके स्वायत्त जो जिले हैं वो बनाए गए हैं उनके बारे में हम आगे वहाँ पर बात करेंगे ठीक है अब जो आसाम है आसाम के अंदर जो भी पावर्स वगैरह हैं वो वहाँ के गवर्नर को दिया गए हैं कि कोई भी केंद्र सरकार का कानून असम में लागू होगा या नहीं होगा वो वहां का गवर्नर तय करेगा जबकि मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के अंदर वो सेम चीजें हैं वो राष्ट्रपति तय करेगा ठीक है भारत का प्रेसिडेंट तय करेगा तो ये अंतर यहां पर याद रखना ठीक है वॉट इट मीन इट मीन कि कोई भी कानून जो पार्लियामेंट का कानून है कोई भी लेजिस्लेटिव रिलेशन है जो पार्ट एलेवन में है तो वो जो भी कानून है यहाँ पे लागू होगा या नहीं होगा तो असम के केस में वहाँ का गवर्नर तय करेगा और बाकी तीनों के केस में भारत का राष्ट्रपति तय करेगा ये याद रख लेना आगे मैं उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा पार्ट शेड्यूल सेवन है शेड्यूल सेवन आपको बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द रिस्पॉन्स आपका कॉन्करेंट लिस्ट वगैरह दी है तो तीन लिस्ट उसके अंदर तीन सूचियां यहाँ पे दी है अब ये क्या करता है राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा करता है एंड इट इज इंक्लूड इन द आर्टिकल 256 ऑफ द पार्ट 11 के अंदर भारत भारा में तो वहाँ पे तीन लिस्ट दी हैं सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट तो तीनों सूचियाँ दी गई हैं और इन तीनों सूचियों में कुछ कुछ आपको विषय दिए गए कुछ कुछ सब्जेक्ट्स वहाँ पर आपको दिए गए हैं तो ये राज्य और केंद्र में शक्तियों का जो बंटवारा है वो शक्तियों का बंटवारा इसके अंदर यहाँ पर या डिविजन ऑफ पावर यहाँ पर आपको करता है जैसे सेंट्रल <coughs> लिस्ट है उसमें 98 सब्जेक्ट आपके हैं ठीक है थीके? तो ये आगे जब हम पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन तब देखेंगे अभी तब शेड्यूल याद करो शेड्यूल पता होना चाहिए ये अच्छे से याद कर लेना फिर शेड्यूल एट है अनुसूची आपका अनुसूची आठ है इसके अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज दी गई है इट इज़ इंक्लूड इन द आर्टिकल थ्री फोर्टी फोर और तीन सौ इक्यावन के अंदर बोला गया कि वहाँ पर शेड्यूल है तो ये आधिकारिक भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री जो बाईस लैंग्वेज के अंदर है पहले इसके अंदर चौदह लैंग्वेज थी और आठ लैंग्वेज जो है वो तीन संविधान संशोधन के द्वारा पे जोड़ी गई जो है ये भाषाएं वहां पर आपको जोड़ी गई ठीक है तो टोटल 22 भाषाएं हैं उसके बाद इलेवेंथ शेड्यूल है ठीक तो, uh, है तो सॉरी नाइन्थ शेड्यूल है सॉरी नाइन्थ शेड्यूल है आर्टिकल 31 बी है अब ये आठ जो uh, आठ जो भी थे ये ऑलरेडी संविधान के अंदर यहाँ पर आपको लिस्ट में यहाँ पर आपको शामिल थे ठीक है एट शामिल थे नवा जो शेड्यूल था वो आपने पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा वहाँ पर आपको ऐड किया गया जिसके अंदर स्पेशली जो ऐसे कानून जो जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन के बाहर हों तो उन कानूनों को शामिल किया गया जैसे आउट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर करने के लिए तो ये पहला संविधान का जो अमेंडमेंट था पहले संविधान अमेंडमेंट के द्वारा संशोधन के वहाँ द्वारा यहाँ पर ऑफिशियल आपका यहाँ पर ऐड किया गया ठीक है इसको बारे में जो फंडामेंटल राइट right पढ़ेंगे मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा कि इसका एक्चुअली प्रोविजन uh, क्या है या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती है तो नाइन्थ शेड्यूल में वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट एंड रेगुलेशन के कुछ नियम या कानून है उनका रेगुलेशन उनका नियमन जो जुडिशल uh, रिव्यू है न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर होंगे दसवीं अनुसूची बोलती है जो आर्टिकल 102 और एक सौ इक्यानवे के अंदर है तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है आपका बोल सकते हैं दल दल बदल विरोधी कानून है तो यहाँ पर ऐसे uh, दसवीं अनुसूची ऐड की गई क्योंकि उस समय पर जो दल बदल की चीज़ें थी नाइनटीन एटी फाइव बहुत बड़े लेवल पर हो रही थी एक व्यक्ति एक पार्टी से दूसरी पार्टी दूसरी से तीसरी पार्टी लगातार चलता रहता था तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेगा तो उसी पार्टी का मेंबर रहेगा उसी पार्टी का जो एम या एमएलए रहेगा तो उसके लिए स्पेशली दल बदल विरोधी कानून लाया गया कोई भी व्यक्ति अगर अपना दल बदलता है तो उसके खिलाफ क्या सजा दे दे सकते हैं उसकी जो मेंबरशिप है हाउस की विधानसभा की या राज्यसभा लोकसभा किसी की भी वो किस प्रकार से एंड हो सकती है वो सब प्रोविजंस इसके अंदर दसवीं अनुसूची में दिए गए हैं ठीक है ठीके? और इसको हमने फिफ्टी सेकेंड जो अमेंडमेंट है 1985 उसके द्वारा यहाँ पर बावनवें संविधान संशोधन के द्वारा उसको हमने ऐड किया है यह ये याद है यहाँ पर आप रखना ठीक है उसके बाद दो चीज़ें नीचे कट गई हैं ग्यारहवां मैं ऐसे ही बता देता हूँ इलेवंथ शेड्यूल है ग्यारहवीं अनुसूची है अब ग्यारहवीं अनुसूची जो है सेवनटी थर्ड अमेंडमेंट नाइनटीन नाइनटी टू तिहत्तरवा संविधान संशोधन जब स्लाइड आपको मिलेगी ना पीपीडी मिलेगी तो उसमें पूरा मिल जाएगा सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट जो है नाइनटीन नाइनटी टू के द्वारा इसको ऐड किया गया है जिसके अंदर आर्टिकल टू फोर्टी थ्री दो सौ तिरालीस है दो तो सौ तिरालीस में उसका प्रोविजन वहां पर आपको दिया गया है तो इसके अंदर जो है वो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मतलब तो आपकी जो पंचायत है तो पंचायत को लेकर कुछ मैटर्स दिए गए हैं तो पंचायत को लेकर ट्वेंटी सेवन सब्जेक्ट्स दिए गए सत्ताईस सब्जेक्ट जिनके ऊपर पंचायत कानून बना सकती है तो ये पंचायतों का जो है उनका संवैधानिकरण किया गया कॉन्स्टिट्यूशलाइजेशन ऑफ द पंचायत फिर ट्वेल्थ जो शेड्यूल है जो लिस्ट में आपको कट गई है उसके उसके लिए सेवेंटी फोर्थ चौहत्तरवा संविधान संशोधन किया गया सेम उन्नीस में और ये भी आर्टिकल टू के अंदर वहाँ पर आपको शामिल है जिसके अंदर जो म्यूनिसिपल है या म्यूनिसिपल या आप बोलोगे कि जो नगर निगम है वो बोलोगे या अर्बन लोकल बॉडीज़ बोलोगे इनके रिलेटेड प्रावधान दिए गए हैं इनका संवैधानिकरण किया गया है और अर्बन लोकल बॉडी के अठारह जो काम है वो अठारह काम इसके अंदर यहाँ पर आपको दिए एटीन वर्क उसके अंदर वहाँ पर आपको दिए गए हैं ठीक है थीके? तो ये बात हुई आपके शेड्यूल की पूरी बारह अनुसूची आपको याद होना चाहिए इट इज़ मैंडेटरी है ना तो अगर नहीं याद है तो उसको अच्छे से याद कर लो रात को हम एम जब करेंगे तो एम में कुछ क्वेश्चन उसके भी डालूंगा अब हम बात करते हैं संविधान के पार्ट्स की संविधान के भाग की क्योंकि वो पहले के लेक्चर में हम उसको नहीं कर पाए थे ठीक है अब संविधान के अंदर 22 भाग हम बोलते हैं तो सब पार्ट वगैरह मिला के टोटल 25 भाग हो गए पहला पार्ट है पार्ट ए जो बोलता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी भारत और उसका न्याय क्षेत्र भारत और उसका क्षेत्र तो ये आर्टिकल वन से लेके आर्टिकल फोर तक शामिल है ठीक है अभी हमने पढ़ा था उसको पढ़ चुके हैं उसके बाद पार्ट टू बोलता है सिटीजनशिप नागरिकता जो पार्ट फाइव से लेके पार्ट एलेवन तक है जो आज अभी हमने इसी लेक्चर के अंदर हमने उसको पढ़ा है ठीक है तीसरा है फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार ये आर्टिकल ट्वेल्व से लेके आर्टिकल थर्टी तक है जो हम कल पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद पार्ट फोर है पार्ट फोर इज़ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल छप्पन से लेके छत्तीस से लेके इक्यावन तक थर्टी सिक्स से फिफ्टी वन है उसके बाद आर्टिकल पार्ट फोर ए है विच इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक अधिकार उसके अंदर शामिल है ना मौलिक कर्तव्य शामिल है सॉरी तो ये आर्टिकल फिफ्टी वन ए में है ये आपको याद होना चाहिए दिस इज हंड्रेड परसेंट श्योर कि आप उसको याद करें शेड्यूल भी और ये भी इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा ठीक है उसके बाद पार्ट फाइव इज द यूनियन उसमें भी दो तीन अलग अलग चैप्टर्स हैं उसमें नहीं जाते ये आर्टिकल बावन से लेके आर्टिकल एक सौ इक्यावन तक है जहां पर केंद्र का एग्जीक्यूटिव केंद्र का लेजिस्लेचर और केंद्र की जुडिशरी वो सब कुछ चीजें उसके अंदर वहां पर आपको दी गई हैं ठीक है तो पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और हाई सुप्रीम कोर्ट सब कुछ उसके अंदर शामिल है फिर वी हैव द पार्ट सिक्स जो स्टेट है राज्य है ये आर्टिकल एक से लेके दो तक है जहाँ पर राज्य की सरकार एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट तीनों चीजें और सबॉर्डिनेट कोर्ट या निचली अदालतें वगैरह सब कुछ उसके अंदर दिया गया है ठीक है उसके बाद आ, उसके बाद वी हैव पार्ट आ, ओके पार्ट सेवन तो इसको हमने हटा दिया गया जिसमें पार्ट जो बी बी स्टेट थे उनसे रिलेटेड प्रोविज़न था तो इसको रिपील कर दिया गया तो ये संविधान का भाग नहीं है अभी ठीक है उसके बाद पार्ट एट है द यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे संबंधित जो भी मामले हैं वो पार्ट एट के अंदर वहाँ पे दिए हैं तो उन्होंने पूरा बताया कि यूनियन टेरेटरी क्या है कैसे काम करेगी वगैरह वगैरह सब कुछ चीज़ें दिल्ली पौड़ीचरी चीज़ वगैरह सबके बारे में पार्ट नाइन जो है द पंचायत पंचायत के बारे में दिया गया है तो अभी हमने देखा इस पार्ट को जो है वो सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया आर्टिकल दो से लेकर दो ओ तक ठीक है तो वो पंचायत का मैटर है कि पंचायत में क्या क्या चीजें होंगी वगैरह वगैरह सब कुछ है उसके अंदर फिर वो पंचायत को आ, उसको लेके जो भी इलेक्शन कमीशन है फाइनेंस कमीशन है राज्य के सब कुछ दिए हैं पार्ट नाइन ए ये भी सेम वहीं पे जोड़ा गया तो म्यूनिसिपालिटी बोला जाता है या नगर निगम आप बोलते हो तो जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं तो दो पी से लेकर दो जेड जी तक ये म्यूनिसिपल का प्रोविजन या आप बोल सकते हो नगर निगम के प्रोविजन वहां पर दिए गए ठीक है ठीके? फिर है पार्ट नाइन बी ये नाइनटी सेवेंथ अमेंडमेंट के द्वारा वहां पर आपको शामिल किया गया है ये बोलता है कॉपरेटिव सोसाइटी का बी है 9 का A, 9, 9 A, 9 B, 9 का ए बी हैच से लेकर जेड टी तक तो दो सौ तिरालीस काफी बड़ा है कई सारे प्रोविजन उसमें तीन अलग अलग पंचायत म्यूनिसिपल और तीसरा वाला जो आपका है कॉपरेटिव ये तीनों चीजें दी गई हैं फिर पार्ट टेन है दिस इज द शेड्यूल एंड द ट्राइबल एरिया अनुसूचित जो क्षेत्र है अनुसूचित और क्षेत्र केंद्र के बीच में, के 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 में जो भी शक्तियां हैं वो उसके अंदर वहां पर आपको दी गई है इसमें दो तरह की शक्तियां हैं एक लेजिस्लेटिव पावर है विधायी शक्तियां हैं और दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है प्रशासनिक शक्तियां दो प्रकार की शक्तियां दो से दो तिरसठ में है उसके बाद पार्ट ट्वेल्व है उसके अंदर फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वीट है ये एक तरीके से राज्य और केंद्र के बीच में जो वित, जो वित्तीय संबंध है फाइनेंशियल रिलेशन हैं उनके बारे में बात करता है और भी कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर दो से लेकर तीन तक फिर पार्ट जो थर्टीन है ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया भारत के क्षेत्र में जो व्यापार और वाणिज्य होता है तो उसको लेके प्रोविजंस दिए गए हैं कि राज्य उसको लेके क्या क्या नियम बना सकते हैं वगैरह वगैरह ये 301 से लेके 307 तक है बड़ा इंपॉर्टेंट है फिर बोलता है पार्ट फोर्टीन सर्विस अंडर द यूनियन स्टेट राज्य और केंद्र के अंदर जो भी सेवाएं हैं उन सेवाओं की बात की कि जहाँ पे स्पेशली 312 के अंदर अखिल भारतीय सेवा या ऑल इंडिया सर्विसेज है सो दिस इज द पार्ट 308 से लेकर तीन तक है उसके बाद पार्ट फोर्टीन ए है ना ये एक नया पार्ट है इट इज़ अ ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल या फिर आपके जो प्राधिकरण दिए गए हैं तो तीन ए और तीन बी के अंदर जो आर्टिकल्स है वहाँ पर सी ए टी कैट जो है और कई सारे प्रोविजन दिए गए हैं जिनके अंदर स्पेशली कई सारे ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं ठीक है फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट के द्वारा इसको ऐड किया गया फिर पार्ट फिफ्टीन है इट इज़ द इलेक्शन चुनाव ये तीन सौ चौबीस लेकर तीन सौ उनतीस ए जो हम कल यूनिट टू के अंदर स्टार्ट करेंगे एम पी पी एस सी मेन्स पेपर टू और यूनिट नंबर वन ठीक है रजिस्ट्रेशन आपने अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो ले लो कल से नया यूनिट स्टार्ट हो रहा है फिर पार्ट फोर् आपका जो है सिक्सटीन है स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू क्लासेस कुछ सर्टन क्लासेस या कुछ जो आ, वर्ग हैं उनसे संबंधित प्रावधान लेकर तीन सौ बयालीस तक जहाँ पर एस सी के बारे में बात की गई है पार्ट जो आपका सेवनटीन है सेवनटीन बोलता है लैंग्वेज भाषा तो तीन सौ तिरालीस से तीन सौ इक्यावन तक जिसमें बताया गया है कि जुडिशरी की लैंग्वेज क्या होगी लेजिस्लेचर की लैंग्वेज क्या होगी दो राज्यों के बीच में कम्युनिकेशन होगा उसकी लैंग्वेज क्या होगी ऑल ऑफ दिस प्रोविजन्स आर इंक्लूड इन दैट पार्ट ठीक है उसके बाद आपका ये लैंग्वेज हो गया ठीक है लैंग्वेज के बाद पार्ट आपका जो एटीन है इसके अंदर इमरजेंसी प्रोविज़न या आपातकालीन प्र, उपबंध दिए गए हैं तीन सौ बावन से लेकर तीन सौ साठ तक तो दिस इट डील्स विद द इमरजेंसी इन इंडिया उसके बाद पार्ट आपका आ, जो है नाइनटीन <coughs> है मिसलेनियस उसके अंदर कुछ अलग अलग प्रोविजन है इकसठ से लेके 67 तक पार्ट 20 है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर पूरा आर्टिकल 368 है जो हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था और अमेंडमेंट्स भी हमने पूरे पढ़े थे तो उसको इससे कनेक्ट कर लेना ठीक है तो द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद पार्ट बीस और इक्कीस है इक्कीस मुझे थोड़ा रोमन में थोड़ा दिक्कत आता है तो मैं ऐसे करके गिनता हूँ कि ये दस है ये दस है बीस है ये इक्कीस इक्कीस हो गया ये बीस हो, हो गया जैसे ये हो गया तो इसमें थोड़ा देखना पड़ता है कि दस और ये नौ होगा थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम है मुझे है ना क्योंकि मैं क्यों पढ़ूँ मैं तो उन्नीस पढ़ूँगा ना तो थोड़ी सी दिक्कत आती पढ़ने है पढ़ने में उससे थोड़ा सा उसमें इक्कीस है तो टेम्प्रेरी ट्रांजिशन है स्पेशल प्रोविजन्स है तो ये उन थ्री सिक्सटी नाइन से लेकर थ्री नाइन्टी टू तक जब संविधान लागू हुआ था उस समय पे ये लागू किए गए थे तो कुछ शॉर्ट टाइटल्स वगैरह हैं वो टेम्परेरी प्रोविजन्स थे संविधान के उस समय पे उसके बाद पार्ट जो बाईस है बाईस के अंदर शॉर्ट टाइटल डेट ऑफ कमेंसमेंट डी टी कि संविधान कब लागू हुआ या उसका टाइटल क्या है वगैरह वगैरह ये तीन सौ तिरानवे से लेकर तीन सौ पंचानवे तक वहाँ पर आपको दिया गया है सो दिस इज़ द पार्ट ट्वेंटी टू है तो ये संविधान के आपके बाईस भाग हुए ठीक है इसका मैं हिंदी वाला जो है वो जब स्लाइड अपलोड करूंगा तो दे दूंगा और अगली जो क्लास है वो आपकी सात बजे होगी जो पेपर वन पेपर टू के जो एनालिसिस हम कर रहे थे आंसर्स के तो उनको हम कंटिन्यू करेंगे अगले सात बजे से क्लास में तो वो सात से साढ़े आठ होगा और साढ़े आठ से दस तक फिर लगातार जो जिसकी कॉपी होगी वो आके चेक करवा ले और जा चाहे तो वहाँ पर जा सकता है वो चाहता है कि बाकी की कॉपी में देखूँ तो रुक सकता है और ग्यारह बजे जो मैंने आपको बताया तो सेम क्लास आपका ग्यारह बजे जो है इसके ऊपर इसी क्लास के ऊपर जो क्लासेज हैं या जो एम सी क्यूज हैं वो हम वहाँ पर आपको सॉल्व करेंगे ठीक है तो दिस इज अ डे थ्री और उसके साथ में जो ऊपर आपको आई बटन पे जो मैंने लेक्चर दिया था अभी भी आपको आई बटन पर दिख जाएगा तो वहां पर जाके उस लेक्चर को भी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी है उसको भी जाकर आप देख सकते हैं ठीक है अब कल का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट तो आई विल ट्राई कि मैं उसको पूरा करवा दूँ पार्ट तीन को बहुत बड़ा है पूरा तो मुश्किल है वो दो से तीन पार्ट उसमें लगेंगे है ना क्योंकि प्लस में भी जब पढ़ाया था तो तकरीबन आठ घंटे तक एट आवर्स तक मुझे उसको पढ़ाना पड़ा आठ से दस घंटे सिर्फ पार्ट थ्री में लगे मतलब चार से पांच लेक्चर वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम है चलिए सो दैट्स ऑब दिस लेक्चर आई होप यू लाइक द लेक्चर और लाइक करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा थैंक यू